ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले महीने यानी कि जून 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना सिंह के लिए? मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता की वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, पुनः बताऊँगा कि आप पूछें कि एक लग्न पर आधारित है या चंद्र राशि पर आधारित है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे हमेशा से मैं कहता हूँ कि यदि लग्न राशि आपको पता है वहाँ से हमेशा सटीकता वास्तविकता के वो हमेशा ज़्यादा पास होता है। तो शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। ये महीना थोड़ा सा अलग है क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का जो प्रभाव है वो बदल रहा है, लेकिन युतियाँ बहुत होंगी। जैसे 12 तारीख तक आपके 10वें भाव में चार ग्रहों की युति रहेगी, फिर 11वें भाव में 12 से 15 तारीख के बीच में 3 ग्रह आ जाएंगे। मंगल आपके स्वराशि के हो जाएंगे और भाग्य स्थान में अपनी ही राशि के आ जाएंगे, यानी कि भाग्य साथ देगा और योग कारक है। लेकिन जो एक प्रभाव है जो थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मक हो सकता है वो है शनि का वक्री होना। 29 तारीख को शनि वक्री हो जाएंगे, लेकिन मंदता पहले ही आ जाएगी, उनकी गति पहले ही धीरे हो जाएगी। और क्योंकि उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लग्न भाव पर है, तो इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट प्रभाव आपको इस महीने देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले लग्न से ही शुरुआत करेंगे कि लग्न को कौन सा ग्रह देख रहा है या कौन सा ग्रह इम्पैक्ट कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा, शनि महाराज का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। आपके सप्तमेश है और षष्ठेश है। अब क्योंकि छठे घर के स्वामी है तो थोड़ा स्ट्रगल बढ़ ही रहा होगा। आपने देखा होगा कि जनवरी 2023 से आपके जीवन में स्ट्रगल बढ़ ही रहा होगा, आप कितना भी, अधिकतम लोगों के जीवन में। अब जिसकी कुंडली बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि देखिए शनि ग्रह कोई ऐसे ग्रह नहीं है जो प्रभावहीन हो जाए। अगर किसी की कुंडली अच्छी है, जो बहुत कम लोगों की होती है, उनके लिए ये अच्छा इम्पैक्ट लेके आए होंगे। लेकिन अधिकतम लोगों के जीवन में स्ट्रगल जनवरी 2023 से बढ़ गए होंगे, सिंह वालों की बात कर रहा हूँ। और ये अभी भी थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, कम होता जाएगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि शनि अभी मंद हो गए हैं। वक्री ग्रह अलग प्रभाव देता है, मंद ग्रह अलग प्रभाव देता है। तो अभी एक स्लोनेस आ जाएगी। आप देखेंगे इस महीने आपके अधिकतम कार्य अटकना शुरू हो जाएंगे, डिले होना शुरू हो जाएंगे। एक दिन की बात थी, कब 10 दिन लग जाएंगे पता नहीं चलेगा। पेमेंट्स में अटकाव आएगा, कार्यों में अटकाव आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके खुद के व्यक्तित्व में एक लेजीनेस आ जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि ये शनि के जो मंद प्रभाव है से बचने के लिए पहले ही अपनी सब चीज़ को प्लान कर लीजिएगा और थोड़े एक्टिव रहिएगा। इस महीने की पहली तारीख को मंगल आपके नवम भाव में आ जाएंगे और आपके योग कारक ग्रह हैं और भाग्य स्थान में, यानी कि भाग्य साथ देगा। ये महीना ऐसा है जब भाग्य आपका परिपूर्ण तरीके से साथ देगा। शनि की उन पर दृष्टि भी है मंगल पर। अब ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों ही होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कई बार। अब यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि शनि आपके छठे घर के स्वामी हैं और मंगल योग कारक है, तो कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लीगल बैटल चल रही थी, उसमें फ़ायदा हो जाए। इवन अगर जॉब नहीं प्राप्त हो रही थी या जॉब चेंज करना चाह रहे थे, उसमें आपको कुछ प्राप्त हो जाए। लेकिन ये उथल पुथल भी मचा सकते हैं, क्योंकि शनि मंद है और मंगल योग का रखें। ये आपके काम बनाने की कोशिश करेंगे, ये काम आपके धीरे करने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक इम्बैलेंस इस पूरे महीने रहेगा, जहाँ पर आपकी चेष्टा तो होगी लेकिन समय साथ नहीं देगा, काल साथ नहीं देगा। शनि महाराज काल ही हैं, इसीलिए थोड़ा सा व्यवस्थित अपने आप को रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल का प्रभाव योग कारक द्वारा ये बताता है कि, या योग कारक होने के नाते आप भाग्य स्थान में आ जाना बताता है कि कोई बहुत लंबे अरसे से अटका हुआ कार्य अवश्य इस महीने पूरा हो सकता है। 10वें भाव में बहुत सारे ग्रह रहेंगे 12 तारीख तक। ये बताता है कि कारक क्षेत्र में भी लाभ हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन भी उत्पन्न होती है जब इतने सारे ग्रह होते हैं एक साथ। जब एक ग्रह होते हैं, दो ग्रह होते हैं तो ठीक है, लेकिन चार चार ग्रह बैठ जाते हैं ना, तो हर ग्रह अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करता है और इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है। अन्यथा ये महीना करियर के लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। जिनकी जॉब चली गई थी उनको जॉब प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जॉब में चेंज के लिए बहुत अच्छा है। और कुछ इम्पैक्टफुल आप कर सकते हैं इस महीने अपने कार्यक्षेत्र में, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको लाभ देगा।
इस महीने 12 से 15 तारीख के बीच में तीन राशि परिवर्तन होंगे, आसपास होंगे, इसलिए मैं उनको अलग अलग नहीं ले रहा। 12 को शुक्र, 14 को बुध और 15 को सूर्य, ये आपके 11वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। अब 11वें भाव में इतने सारे ग्रह, यानी कि बहुत अच्छा है, आपको लाभ प्राप्त होंगे, हर प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। यहाँ पर बुध है जो खुद की राशि के हैं, शुक्र है जो 10वें घर के स्वामी हैं, और सूर्य है जो आपके लग्नेश है, यानी कि धन प्राप्ति के लिए तो अचानक से महीने के मध्य भाग का समय अच्छा। आप एक कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस देखेंगे इस महीने, मध्य भाग से पहले और मध्य भाग के बाद, बिजनेस हो या जॉब दोनों में ही अच्छा होगा। पुनः कहूँगा, देखिए ले ऑफ्स अभी भी चल रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, वो बाहर इंडिया हो या विदेश हो, तो अगर जॉब चली गई थी, जो हो सकता है गई हो, क्योंकि आपके धनस्थान में भी ग्रहण लगा था मार्च में, फिर आपके अष्टम में भी ग्रहण लगा था, तो अचानक से उथल पुथल करियर में कभी कभी मचती है, तो इनके हिसाब की जॉब अगर चली गई थी तो ये महीना है जॉब प्राप्ति के योग आपके बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, बिजनेस में लाभ हो सकता है और कई इच्छाएं भी आपकी इस महीने पूर्ण होंगी। शनि का प्रभाव ओवरऑल रहेगा, लेकिन 11वां भाव इतना स्ट्रांग है तो वहाँ से थोड़ी सी श्रेष्ठता भी दिख रही है। ये महीना जैसा मैंने कहा, अपने आप को जितना प्री प्लान रखेंगे, हर चीज़ को प्लानिंग के स्वरूप में रखेंगे, पहले ही ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। गुरु अकेले 10वें घर में हो जाएंगे, ये भी अच्छा है। गुरु आपके पंचमेश हैं, यानी कि राजयोग बना रहे हैं कर्मस्थान पे, तो कर्मस्थान में राजयोग यानी कि करियर हो या बाकी चीज़ें हो, उसमें श्रेष्ठता, उसमें संपन्नता दिख रही है। राहु अष्टम में अकेले हो जाएंगे, थोड़ा सा बची रहेगा, लालच बुरी बला है, ये आपके लिए इस महीने रहेगा, क्योंकि राहु अभी अभी अकेले हुए हैं, मंगल के प्रभाव से निकल गए हैं, अचानक से इच्छाएं जागृत होंगी जो गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकती हैं। केतु दूसरे घर में है, ये धन के मामले में विघ्न उत्पन्न करते ही रहते हैं और ये हो भी रहा होगा पिछले 5-6 महीने से, ठीक है उनका प्रभाव अभी रहेगा, लेकिन केतु सीखने पर मजबूर करते हैं, तो अगर धन कमाने के लिए कुछ नया सीखना भी चाहते हैं, महीना बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना प्रेजेंट में जीना है, ना ही ज़्यादा फ्यूचर, ना ही ज़्यादा पास्ट। वाणी में सौम्यता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है, लेकिन एक पर्पस पे क्लैरिटी आ जाएगी जो आपके लिए अच्छा दिख रहा है। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा और आध्यात्मिक रूप पे भी रूप से भी थोड़ा सा आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर ट्रस्ट पड़ेगा धीरे धीरे, सेहत भी थोड़ा सा बेटर होती जाएगी विद टाइम, और चीज़ें पोस्टपोन तो होंगी लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिर भी आप उनको कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेंगे, तो महीना अच्छा है आपका, सरकार से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, और अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिएगा, ये करेंगे तो अवश्य आपका महीना और भी आगे बढ़ेगा। महीना अच्छा है आपका, लाभ उठाइएगा। चलते हैं जॉब की तरफ, यानी कि जो लोग नौकरी करते हैं, महीना ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है लेकिन इवेंटफुल रहेगा, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा। मेन कारण यह है कि 10वें भाव में बहुत सारे ग्रह रहेंगे तो थोड़ी सी उथल पुथल मचती है, जब ऐसे बहुत सारे ग्रह रहते हैं ना तो ऊर्जा मेंटेन नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं लेकिन वर्क प्रेशर भी बढ़ेगा, कन्फ्यूजन भी होगी, ऑफिस पॉलिटिक्स तो भयंकर रहेगा 15 तारीख तक, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी। शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे 14 को, सूर्य 15 को, बुध शुक्र आ जाएंगे 12 को, बुध 14 को और सूर्य 15 को, यानी कि 10वें घर में फिर गुरु ही रह जाएंगे और वो स्थिरता देंगे, क्योंकि गुरु आपके पंचमेश हैं तो यहाँ पे आपके करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, और अष्टमेश भी हैं तो 15 तारीख के बाद श्रेष्ठतः आपको अपनी जॉब में बदलाव करने के योग भी बहुत आराम से मिल जाएंगे, तो महीना अच्छा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नवम में मंगल आ गए, अपनी राशि के हैं ठीक है, भाग्य साथ देगा ठीक है, लेकिन बॉसेस से बहुत बड़े स्तर पर आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा, खैर ऑफिस में यूजली झगड़ा नहीं होता लेकिन आर्ग्यूमेंट्स तो हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपके बॉसेस के साथ हो सकता है। एक चीज़ जो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव डाल रही है करियर में, वो है शनि का मंद होना, शनि धीरे हो जाएंगे, उनकी स्पीड धीरे हो जाएगी और 29 तारीख को वो वक्री हो जाएंगे, हाथ आई प्रमोशन रुक सकती है, मतलब कि बहुत अच्छा योग बनेगा, बॉस ने कह दिया कि भाई इस बार तो आपका ही पक्का है, आपका नहीं हुआ तो किसी का प्रमोशन नहीं होगा, मैं खुद बात करूंगा या करूंगी, और आप देखेंगे कि हो सकता है अचानक से वही बोले बॉस कि नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, आपका बाद में करेंगे प्रमोशन। तो ये शनि, मैं सबके लिए नहीं कह रहा लेकिन जिसकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, हो सकता है हाथ आया प्रमोशन निकल जाए, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, अदरवाइज ठीक ठाक है, महीना बुरा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, वाणी की कटुता पर बहुत ध्यान दीजिएगा, लोगों की कमियां मत निकालिएगा कार्यक्षेत्र में, नई जॉब ढूंढने के लिए जैसा मैंने कहा अच्छा महीना है, सहायता मिलेगी, बैलेंस रखिएगा, नया सीखेगा कुछ, और सौम्यता रखिएगा व्यवहार में और वाणी में, दोनों में ही, बॉडी लैंग्वेज में सौम्यता झलकनी चाहिए, थोड़ा सा कभी कभी
सिंह वाले बहुत अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, वो उनका व्यक्तित्व है, लेकिन देखिए वो शायद आपके घर वाले लोग आपका आपका बात समझ लें, या फिर अगर आप बहुत बड़े पोजिशन पर हैं, जब आप बड़ी पोजिशन में होते हैं तो आपका गुस्सा भी लोगों को एक एटीट्यूड लगता है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ी पोजिशन में नहीं तो आपका गुस्सा लोगों को ईगो ही दिखेगा, आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही दिखेगा। तो थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। पुरानी चीज़ों को मत सोचिएगा कि ये हाथ से निकल गया, वो मौका हाथ से निकल गया, उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। बस ये कहूँगा कि इस महीने थोड़ा सा आपके कन्फ्रंटेशन या आर्ग्यूमेंट्स कई लोगों से हो सकते हैं। जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन, एनालिटिक्स, डेटा कम्युनिकेशन, क्या गवर्नमेंट जॉब, इनसे जुड़ा कुछ भी फील्ड में है, उनके लिए महीना अच्छा रहेगा। यह है बिजनेस की तरफ। देखिए बिजनेस के लिए वैसे तो महीना ठीक है, लेकिन शनि, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा इवेंट है कि शनि वक्री हो रहे हैं 29 तारीख को, शनि वक्री होंगे तो प्रभाव बदलेंगे, क्योंकि वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो मंद होंगे, बहुत स्लो स्पीड होगी। मैं हमेशा बताता आया हूँ कि ग्रह एक दिन उठकर वक्री नहीं होता, ग्रहों की बहुत स्पीड होती है ज्योतिष में, वक्रति वक्र, मंद, चारी अतिचारी, तो उसमें से जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो पहले मंद होता है, अति मंद होता है, फिर जाके वो उल्टा प्रभाव दिखाता, नहीं कि वक्री हो जाता है। खैर एक्चुअली में कोई भी ग्रह उल्टा चलता नहीं है, वो रेट्रोग्रेशन की थ्योरी है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन अवश्य वो वक्र अवस्था में आ जाते हैं अगर हम ऑब्जर्व करें तो। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह जब वक्री हो रहा है सप्तम भाव में शनि जैसा, उससे पहले जो मंदता आएगी, यानी कि बिजनेस में एक स्लो डाउन आ जाएगा, काम ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन हर कार्य में डिले, आपने पेमेंट लेनी थी अपने जिसको आपने अपना जिसके लिए काम किया था, वो बस पेमेंट टालता जाएगा, मना नहीं करेगा, नहीं पैसा डूबेगा, लेकिन मंदता आती रहेगी हर कार्य में, आपके कार्य अटक जाएंगे, आपकी मशीनरी खराब हो सकती है, कोई लीगल प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक से आपका रियल एस्टेट का काम है, अचानक से एनजीटी का कोई नोटिस आ गया कि भैया काम नहीं कर सकते आगे, आपका मशीनरी का कोई कार्य है, अचानक से लाइट की सप्लाई या पावर सप्लाई कम हो गई, उसमें विघ्न आ गए, शनि है तो मैन पावर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो बड़े बड़े लोग जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि वहाँ पर मैन पावर आ गई, जहाँ पर मैन पावर आ गई वहाँ पर शनि आ गए, और शनि वक्र हो रहे हैं, मंद हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 11वें घर में क्योंकि इतने सारे ग्रह आ जाएंगे, शुक्र, सूर्य, बुध, ये 12 से 15 तारीख के बीच में होगा, पैसा आता रहेगा, लेकिन बस कहना कि पैसा आना मतलब, अब जो बिजनेस करता है ऐसा यूजुअली नहीं होता कि आपने काम किया पैसा आ गया, यूजुअली चलता रहता है कि हाँ पेमेंट करी, कभी कभी वो कहते हैं कि हम बाद में कर देंगे, ये कर देंगे, बिजनेस में ऐसा करना पड़ता है। तो बस यही है कि काम आता रहेगा मंद गति से, लेकिन और पेमेंट्स आदि में भी थोड़ा सा मंदता आ सकती है, तो इसके लिए तैयार रहेगा। अपने एफर्ट्स में आप कमी नहीं लाएंगे, क्योंकि मंगल नवम में है जो सप्तम से तीसरा है, तो मेहनत तो आप करते रहेंगे, लेकिन मंदता का प्रभाव ऐसा है जिससे बच नहीं पाएंगे। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, अपने रिलेशनशिप पर काम कीजिएगा बिजनेस में, वो पार्टनर से हो या सप्लायर से हो या क्लाइंट से हो, नई पार्टनरशिप करना चाहते थे तो रुक जाइएगा ये महीना उसके लिए, क्योंकि कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, भ्रम की स्थिति, तो रुक जाइएगा। फंडिंग आ सकती है, अगर आपके बिजनेस को फंडिंग चाहिए थी तो, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ कार्य का भार ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि और वो भार जब ज़्यादा लगता है जब चीज़ें अटकती हैं, जब काम आपका एकदम स्मूथली चल रहा है ना, तो व्यक्ति 2-3 एक्स्ट्रा घंटे काम करके भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर काम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं और हर चीज़ में मंदता आ रही है, हर चीज़ में धीरापन आपको दिख रहा है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ सकती है। पैसा अवश्य आएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने अंदर बदलाव भी लाने की कोशिश कीजिएगा, थोड़े से एडजस्टेबल रहेगा कि हाँ अगर एक कार्य अटक रहा है इस प्रकार से तो उसको दूसरे तरीके से नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना। ये महीना ऐसा भी है जब आपको अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर पर काम करने का मौका मिलेगा, बेसिक स्ट्रक्चर पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं। इनकम के लिए महीना अच्छा ही है। सबसे पहली बात तो है कि आपके भाग्येश ही भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो भाग्य साथ देता ही है, और 11वें घर में शुक्र भी आ जाएंगे, 12 बुध अपनी ही राशि के हो जाएंगे, सूर्य 15 को, तो 12 से 15 में तीन ग्रहों का 11वें घर में आना, ये पैसा बढ़ेगा। बुध आपके लिए जब 14 तारीख को यहाँ पे आएंगे तो बहुत विशेष धन योग और लाभ योग बनाएंगे, क्योंकि वो आपके धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं। पैसा तो बहुत आ सकता है इस महीने, अगर आप काम करने वाले हैं, अगर आप मेहनती हैं, पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत ज़्यादा विशेष हैं, श्रेष्ठ हैं। इवन अगर आप कुछ डिफरेंट ऑप्शन ढूंढना चाहते थे इन्वेस्टमेंट के,
उसके लिए अच्छा है। और अंतिम जो आपके 10 दिन है वो भी, ये महीना पूरा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ही है आपका, बुरा नहीं है। खर्चों की बात करें, खर्चे होंगे कुछ चीज़ों पर। सर्वप्रथम तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कोई ख़राब हो जाएगा या फिर कोई नया लेना पड़ेगा, उस पर खर्चा होगा। पेट्स अगर आपके घर में है बहुत खर्चा होगा। इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि घर में मरम्मत अचानक से करानी पड़ जाएगी, डैम्पनेस हो सकती है या फिर कुछ और लीकेज आदि हो सकती है, उस प्रॉब्लम से कुछ खर्चा कराना पड़ेगा। धार्मिक कार्यों पर खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, धार्मिक यात्राओं पर या कोई धार्मिक अनुष्ठान पर थोड़ा खर्चा हो सकता है। और अपने रखरखाव पर, अपने हेल्थ पर, जो कि एक अच्छा खर्चा है, अपने हेल्थ और अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने पर आप खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी संभावना है, पूरी संभावना है चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आगे बढ़े की बात, कम्युनिकेशन थोड़ा सा पुनः स्टार्ट हो सकता है। तो ये महीना, अगर आपकी बातचीत रिसेंटली बंद हुई है तो चांसेस पूरे हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से निकल सकते हैं। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसकी भी संभावना है। जो बीच के 10 दिन होंगे, यहाँ पे केयरफुल रहेगा, क्योंकि गुस्सा थोड़ा सा आ सकता है, डेस्परेटली थोड़ा सा कुछ गलत चीज़ आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी महीना अच्छा ही है। बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है। देखिए, महीना ठीक है, बुरा नहीं कहूँगा। ध्यान बस ये दीजिएगा कि 12 से 15 तारीख यहाँ पे शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे, बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, और ये सारे ग्रह मिलकर पंचम को देखेंगे। इसमें से शुक्र का देखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन सूर्य भी यहाँ पर जब 15 को आएंगे तो देखेंगे, और मंगल पंचम से त्रिकोण में है। इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा आप अथॉरिटेटिव होने की कोशिश करेंगे, डोमिनेटिंग होने की कोशिश करेंगे, और इसके कारण लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। तो गुस्से पर नियंत्रण कर लिया तो महीना ठीक है। विशेष प्रिडिक्शंस, कुछ अनिश्चित मत रखिएगा, यानी कि कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिसके कारण आपके पार्टनर को आप पर शक हो। क्लैरिटी रखिएगा। रोमांटिक महीना तो दिख ही रहा है, पैशनेट महीना दिख ही रहा है, लेकिन अनिश्चितता आपके कारण आएगी। आप कई चीज़ों को छुपाएंगे, ढंग से बताएंगे नहीं, हो सकता है वो मे बी विलिंगली नहीं हो, ऐसा कि जानबूझ के आप ऐसा ना करें, लेकिन कभी कभी होता है हम कुछ चीज़ें अपने पार्टनर को बताना भूल जाते हैं, और वो बड़ी चीज़ें होती हैं, और फिर बाद में जब वो सामने आती है तो पार्टनर को लगता है कि छुपाया गया है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। टाइम दीजिएगा अपने पार्टनर को, और लॉन्ग टर्म चीज़ों पर कार्य कीजिएगा कि कैसे अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल बना सकते हैं। इन सब कार्यों पर आपको थोड़ा सा ध्यान विवेचना करनी पड़ेगी। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। ठीक ठाक महीना है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं 7वें घर में। अब इसका बुरा प्रभाव तो चल ही रहा होगा। प्रॉब्लम यह है कि इस महीने शनि वक्री भी हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ती ही जाएगी। एक तो मिसकम्युनिकेशन बहुत होगा, डिटैचमेंट बहुत हो जाएगी। सप्तम से अष्टम में भी केतु हैं, तो जिनकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, वो बढ़ेंगी ही इस महीने। वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि 2 लग्न हैं कर्क और सिंह, इनके लिए मैरिड लाइफ यूजुअली अच्छी नहीं होती, तो ये जो प्रभाव है वो बढ़ता ही जाएगा। बहुत श्रेष्ठ महीना, बहुत शुभ महीना तो मैं नहीं कहूँगा रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के लिए। हाँ, शुक्र 12 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में है तो थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये मान के चलेगा कि महीना बहुत ईजी मैरिड लाइफ के लिए नहीं रहेगा। विशेष प्रिडिक्शंस, डिटैचमेंट बहुत हो जाएगा, बात करने का मन नहीं करेगा, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाएंगे। गुस्सा तो रहेगा ही, ईगो बहुत रहेगा, और बैलेंस की कमी इस महीने बहुत मैरिड लाइफ में रहेगी। तो मैं ये कहूँगा कि मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा या बहुत श्रेष्ठ महीना तो नहीं दिख रहा। चलते हैं विद्यार्थियों की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ। शुरुआती 10 दिन ठीक नहीं है बहुत, क्योंकि हो सकता है आपका कोई काम डिले भी हो जाए, और एग्ज़ाम्स की बात करें तो हो सकता है अगर कोई एग्ज़ाम है उसमें भी कोई पोस्टपोनमेंट आ सकती है, या फिर आपके पूरे व्यक्तित्व में एक लेजीनेस रहेगी। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम जो 10 दिन है ये भी ठीक है। स्टूडेंट्स की बात करें तो पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है और बुध कारक होते हैं। बुध भी अच्छी अवस्था में आ जाएंगे 14 तारीख को, अपनी ही राशि के हो जाएंगे। शुक्र भी यहाँ पे आके पंचम को देखेंगे, और शुक्र अपने आप में शुभता का प्रतीक है, और सूर्य भी जो लग्नेश है वो भी 15 तारीख के बाद पंचम को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए महीना ओवरऑल जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा, शुभ होता जाएगा, क्योंकि 10वें घर के स्वामी शुक्र 12 को यहाँ पे आ जाएंगे और आपके पंचम को देखेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी यहाँ पे अच्छा योग बन सकता है। विशेष प्रेडिक्शंस, आपको बहुत मौके मिलेंगे, ये महीना मौक़ों का है, संभावनाओं का है, अपॉर्चुनिटीज़ का है। बहुत चीज़ें बदलेंगी और उस बदलाव के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा। ये महीना आप बहुत उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं,
स्पेशली जो 10 तारीख के बाद का समय है, और आपकी जो जीवन की यात्रा है वो भी काफ़ी आगे बढ़ेगी। अपनी संगत पर ध्यान दीजिएगा। यात्राओं के भी वैसे योग इस महीने बहुत बन रहे हैं, तो अपने कार्य को, अपने स्टडीज़ को प्लान्ड करके चलिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने ज़्यादा प्रॉब्लम जो आपको तंग करेंगी वो होगी नसों की, हड्डियों की। बॉडी में पेन बहुत रहेगा। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनकी परेशानी बढ़ेगी, और जिनको लिवर का कोई या गॉल ब्लैडर का कोई रोग है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन में पीठ के रोग, लोअर बैक में दर्द, इनडाइजेशन, खाने पीने के कारण प्रॉब्लम, और गले के रोग। बीच के 10 दिन में नसों के रोग, लोअर बैक में दर्द, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, पुनः खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर स्लीप डिसऑर्डर, आँखों के रोग, नेत्र विकार, दांतों के रोग, एसिडिटी और थायराइड जिनको है या उससे संबंधित कोई रोग तंग कर सकता है। उपाय की बात करते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक रूप से कुछ सहायता कीजिएगा। दूसरा चीज़ यह है कि आपको मंदिर में सफ़ेद तिल और तिल के तेल और घी का दान करना है। कितना करना है आपके ऊपर है, आपकी क्षमता, सक्षमता, इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। शिवलिंग का आपको दूध से अभिषेक करना है और ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और महादेव को बेसन के हलवे का भोग लगाना है। ये उपाय अवश्य कीजिएगा। सार्थकता और सकारात्मकता दोनों ही महीने में बनी रहेगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।